जब तक ठोकरें नहीं लगती जिंदगी में इंसान कुछ नहीं सीखता। कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं धोखे खाने से अकल आती है। जिस जिसने धोखे खाए हैं ना वो ज्यादा अकलमंद होंगे बादाम खाने वालों से। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं शोल्डर का वर्कआउट, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, कौन सा वर्कआउट यूज़ करते हो। ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे हो गए हो पहले से, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो वार्म अप ही चल रहा है, अभी चेंज होंगे। क्योंकि ना कोई 3-3.5 साल बाद मैं दोबारा कम बैक कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में। आज से हाँ मुझे जितना याद है 3-3.5 साल पहले बॉडी बिल्डिंग करता था, अब दोबारा फॉर्म में आऊँगा और ज़बरदस्त गेम खेलेंगे। अब जो भी गेम खेलूँगा बड़े स्टेज पे खेलेंगे, ठीक है ना, उसकी तैयारी चल रही है। और किस टाइम बॉडी में क्या चीज़ डालता हूँ, किस टाइम बॉडी में क्या अपलोड कर, मतलब सारा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टाइम क्या डाइट में लेता हूँ, किस टाइम कितना BCA, ग्लूटामाइन, एल-कार्निटाइन, फैट बर्नर, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर उसका स्टैक बताऊँ तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो आज करते हैं शोल्डर का वर्कआउट, जो मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करता हूँ। और ये वर्कआउट थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो मेरा नया भाई इसको ना करे, जो काफ़ी सालों से जिम जा रहे हैं वही करे इस वर्कआउट को। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और जिस जिस मेरे भाई को स्टैग देखना है, किस टाइम यूज़ करता हूँ रात को, क्योंकि देखो इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। हम जिम जाते हैं, हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, इस चीज़ में ना बहुत डिफरेंस है। जिम तो सारा देश ही कर रहे हैं, लेकिन उनमें से दिखते कितने लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है किस टाइम बॉडी में क्या डालना है, किस टाइम बॉडी को क्या खिलाना है, उन्हें पता है, तभी वो जल्दी, आपने देखा होगा किसी पुराने प्लेयर को, वो बहुत जल्दी कम बैक कर जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है किस टाइम क्या करना है। अब नए जो हैं वो 2-3 साल तो इसी में लग जाते हैं कि कैसे डंबल पकड़ें, किस टाइम क्या खाएं। तो मैं चाहता हूं जो हमारे 10-11 साल लगे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो, तो बताना कमेंट करके। स्टार्ट करते हैं आज शोल्डर का वर्कआउट। तो दोस्तों वार्म अप हो चुका है, ये पहला सेट वार्म अप लेते हैं, क्योंकि ना हम जब भी देखा होगा आपने जिम में जाते हैं तो एकदम से ना हैवी उठाते हैं। दो चीज़ में हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक शोल्डर का वर्कआउट करें और जब एक लोअर बैक की कोई भी वर्कआउट, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गई, तो जो पहला सेट होगा ना उसे वार्म अप में ही निकाल लें। जैसे कि अब ये लाइट वेट है तो पहला सेट वार्म अप में निकालें, 20 रेपिटेशन, इसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। तो दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक करेंगे डंबल प्रेस और एक करेंगे डंबल फ्रंट रेजेस। 5 सेट करेंगे, 5 अल्टरनेट, मतलब कि 1 10 से 15 रेपिटेशन डंबल फ्रंट रेजेस, 10 से 15 रेपिटेशन अल्टरनेट, एक ये एक वो, एक ये एक वो, 5 सेट करने हैं। और वेट अपने हिसाब से लें, ये मेरा पहला सेट है तो वेट बढ़ता रहेगा, पहले लाइट फिर हैवी, उस हिसाब से ग्रिप बिल्कुल टाइट। और हमेशा कंट्रोल रखें वेट पे, वेट कितना भी, और कईयों को देखा होगा आपने वो कुछ नहीं, सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है, वर्कआउट कंट्रोल के साथ होता हमेशा। ये दस से पंद्रह रेपिटेशन इसके, फिर डंबल फ्रंट रेजेस। आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो एक हाथ से, लेकिन दोनों को एक साथ कर लें। दस से पंद्रह रेपिटेशन, पांच सेट। सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आपकी लैटरल रेजेस, आपके आउटर डेल्ट के लिए 5 सेट करेंगे,
15 से 20 रेपिटेशन वेट अपने हिसाब से। जो पहली एक्सरसाइज थी, वैसे तो दो एक्सरसाइज हो चुकी है लेकिन वो ऑल्टरनेट में थी तो एक ही मानी जाएगी। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, लैटरल रेजेस 5 सेट करेंगे, 15 से 20 रेपिटेशन, ग्रिप बिल्कुल टाइट। कई भाई पूछते हैं यहाँ से करें, यहाँ से करें, ऐसे करें, तीनों वेरिएशन अपनी जगह है। जो सबसे बेस्ट है वो ये है, बस करना क्या है, एक तो ये नहीं करना। कईयों को देखा हो आपने, कई होते हैं बच्चे जिम में हैवी के चक्कर में, पता ही नहीं एक्सरसाइज हो किस चीज़ के लिए है, जाड़ी की एक्सरसाइज हो रही है, मुंह की एक्सरसाइज हो रही, शोल्डर की, पता नहीं, बस जोर लगा रहा है पूरा। पांच सेट, 15 से 20 रेपिटेशन। और एक मेन चीज इस एक्सरसाइज में, दो चीज का ध्यान रखना है आपको। पहला 1 2 3, ये तीन पॉइंट पे इक्वल हो, या दूसरा 1 2, ये थोड़ा सा बैंड हो, थोड़ा सा नीचे चलेगा, तो ये दोनों चीज तो इक्वल चाहिए आपको कम से कम। और कई करते वो कुछ नहीं है, वो टोटली टाइम बर्बाद हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वर्कआउट वही है जो आपको थकाए, जो थकाएगा वो बनाएगा। जब जिंदगी में चैलेंज नहीं होगा ना तो वो इंसान चेंज भी नहीं होगा, गारंटी इस बात की। चेंज वही होता है जिसको चैलेंज आता है जिंदगी में। जब तक ठोकरें नहीं लगती जिंदगी में इंसान कुछ नहीं सीखता। कहते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं, धोखे खाने से अकल आती है। जिसने धोखे खाए ना वो ज़्यादा अकलमंद होंगे बादाम खाने वालों से। तो वर्कआउट करें सेकेंड। अब तीसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे आपकी अपराइट रोइंग, 5 सेट करेंगे, 15 रेपिटेशन करेंगे। और अपराइट में ग्रिप ना पहले ये चलती थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पेन होने लगता था। जब आप बहुत पास पकड़ते हैं ना तो यहाँ स्टार्ट पेन हो जाएगा जैसे आप वेट बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा पास ना रखें हाथ, ये अब ना तो पेन होगा, ठीक है, पोजीशन भी परफेक्ट आएगी, रेंज ऑफ मोशन भी परफेक्ट होगा। 5 सेट करेंगे, 15 रेपिटेशन, ग्रिप बिल्कुल टाइट। और इसमें भी वो आपने देखा होगा, ये ड्रामे नहीं करने, वेट उतना जितना आराम से लिफ्ट हो, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनेगी, वो डेली करते रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो बन जाएगी। लेकिन वर्कआउट अगर गलत करा ना एक दिन तो इंजरी जरूर कर देगा। स्लो करना है, पहाड़ बहुत बड़ी चीज होती है, नदी उसमें से रास्ता ताकत से नहीं बनाती, डेली उसे वहीं से गुजरना है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो डेली आप वर्कआउट करेंगे तो बॉडी अपने आप अच्छी बन जाएगी, ठीक है ना, लेकिन करना डेली, अपने आप को पुश करना है। मैं तो फिट नहीं हूँ, मैं कैसे फिट होऊंगा, सोने से भी कोई फिट नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में 4 पुशअप्स लगेंगे, फिर 10 लगेंगे, फिर एक दिन फिट हो जाओगे। हार नहीं माननी, बस जिंदगी में फिट रहना, जब तक जिंदा रहेंगे जबरदस्त फिट रहेंगे, यही जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए ऊपर वाले ने शरीर दिया है, इसका ध्यान रखना सबसे पहला फर्ज है इंसान का। दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके ट्रैप्स के लिए, डंबल श्रग्स, 5 सेट करेंगे, 15 से 20 रेपिटेशन। और एक जो मेन चीज है, जो श्रग्स है ना, ये मतलब उस मसल को पता तो लगे हमने वर्कआउट किया है। 1 2 3 स्ट्रेच, ये करना है, ठीक है। डंबल अपने हिसाब से जो आपको, लेकिन थोड़े से हैवी हो, ठीक है ना। 5 सेट करने हैं, 15 से 20 रेपिटेशन, ग्रिप बिल्कुल टाइट। 1 2 3 फिर स्ट्रेच, ठीक है, कम से कम 2 से 3 सेकंड ऊपर होल्ड करना है। 1 2 3 दोस्तों फिफ्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके रेयर डेल्ट के लिए,
5 सेट करेंगे 15 से 20 रेपिटेशन। वेट लाइट रखना, कहीं झूला बना दो शरीर का, झूला नहीं बनाना, एक्सरसाइज करनी है। कईयों को आपने देखा होगा झूला बना देती, भाई क्या कर रहा है, मतलब पता ही नहीं, उसे खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, कोई भी वर्कआउट करेंगे उस मसल को कंट्रोल में, उस वेट को कंट्रोल में, तभी वो बॉडी बनेगी। ठीक है ना, और बॉडी भी तब बनेगी जब आप अच्छा खाओगे घर जाके। अब यहाँ आकर लिए 1 घंटा मेहनत और घर जाके वही बात है, खा रहे हैं समोसे पकौड़े जलेबी, तो जलेबी जैसे ही बोलोगे फिर। ठीक है ना, अब कई मेरे भाई कहते हैं भाई बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त बनानी है, और हो अदरक की तरह रहे, कभी यहाँ से फैट बढ़ रहा है, कभी यहाँ से फैट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अच्छा शरीर बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है स्वाद को मारना पड़ता है। ठीक है ना, अब आप ये भी चाहते हैं कि कहीं जाएं तो दो आदमी मुड़ के देखें, आप ये भी चाहते हो कि समोसे के भी स्वाद लें, तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो समोसे खा लो या कहीं जाओ तो दो आदमी मुड़ के देखें, इनमें से एक ही चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, तो एक ज़िंदगी मिली है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिट रहें। आप फिट रहेंगे ना तो जीने का मज़ा भी अलग आएगा, पैसे कमाने का मज़ा अलग आएगा, हर चीज़ ज़िंदगी मतलब जीने का मज़ा आएगा। सबसे पहले निरोगी काया, बाद में चाहिए धन माया। धन माया है और आपका शरीर फिट नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले फिट हो आदमी, फिट मतलब फिट, ये नहीं कि बड़े बाइसेप्स, ऐसा भी नहीं है, बस फिट हो, बस उस इंसान का पेट ना हो बस। तो दोस्तों फिट रहें, हेल्दी रहें और ज़िंदगी के पूरे मज़े लें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है। ठीक है ना, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं 5वां सेट, 1 2 3 4 5 ग्रिप बिल्कुल टाइट, 5 सेट 15 से 20 रेपिटेशन। इसको आप बेंच पर भी कर सकते हो, जैसे रिवर्स फ्लाई करते हैं लेट के, लेकिन इस पे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपका कंट्रोल रहता है और खुद को बैलेंस बनाना भी आ जाता है। पांच सेट करने हैं 15 से 20 रेपिटेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और डाइट हेल्दी लें, और कमेंट करके ये बताना है कि जो मेरा टैग है, जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर रहा हूँ, कि नेक्स्ट वीडियो उस पर आए, और ऐप्स पे भी बहुत सारे कमेंट है कि ऐप्स का बता दो कौन सा वर्कआउट करते हो आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो इस टैग पे आए, और डाइट क्या फॉलो कर रहा हूँ। वैसे तो टोटली बॉयल फूड पे हूँ, और जल्दी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो भी ज़बरदस्त वाला, क्योंकि जो मुझे जानते हैं, जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं पूरी तैयारी के साथ ही खेलता हूँ, नहीं तो अपना शांत घर बैठता हूँ मस्त। ठीक है ना, वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ, रनिंग, और एक इससे अंदाज़ा लगा लेना कि क्या कर सकते और क्या नहीं। दिमाग में आई तो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान बाइक पे अपने पिताजी के साथ कर दिया, दिमाग में आई तो 100 किलोमीटर रन कर दिया। कंपीट करना है मेरे को, क्योंकि बहुत सालों बाद तमन्ना हुई है दोबारा से स्टेज पे जाऊं, और वो भी सिर्फ इसलिए हुई कि मैं गेम देखने गया था, वहाँ पे जब फ्री पोजिंग की बारी आई ना तो सब ऐसे कर रहे, कोई ऐसे मैं कहा यार फ्री पोजिंग है, मतलब आग क्यों नहीं लगी स्टेज पे। देखिए हार जीत मैटर नहीं करती, जब आप गेम खेलने जाए ना तो पब्लिक ये होना चाहिए कि वो आया था, ये मैटर नहीं करता आप थर्ड हो फोर्थ हो फर्स्ट हो, ये कोई मैटर ही नहीं करता खिलाड़ी के लिए मैटर करता है कि वो स्टेज पे आया और उसने ना हिला दिया सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।